हमारे देश को आज़ाद हुए 61 साल हो गए, लेकिन फिर भी आज भी लोगों को अंधकार में जीना पड़ रहा है। क्या मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया में हमारे गांव शामिल नहीं है? करम, कोटबानी, करी, भादल, इन गांवों में कुल 700 परिवार रहते हैं। लोगों ने बिजली के लिए कई बार इसकी शिकायत की तथा अपनी आवाज़ उठाई, लेकिन आज तक इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो हमारा गांव में न के बादलों में आज तक भी बिजली नहीं है। दुई बार तीन बार शुरू करें गया बिजली वाला, शुरू कर लें गया कि बादल में खंबा चालू करना छे, गाड़ना छे, लाइट बंद करें। तो आज तक हमारा गांव में कई लाई बिजली है। कभी बिजली हो जाए तो हमारा गांव कहीं भी थोड़ा पानी भी सोईता आई जाए, कानखुर ट्यूबवेल भी कुरा ले जाए, कानखुर का और पानी भी ना बेचे, कहीं भी मोटर में किन ले आ जाए। तो बिजली के कारण से हम बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही थी। बिजली गांव में होना जरूरी रहना चाहिए। ग्राम भादल में नर्मदा जीवन शाला संचालित है, जिसमें कुल 60 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इन बच्चों को क्या चिमनी ही नसीब है? क्या उनको बिजली नसीब नहीं है? बिजली का हर बार हम कार्रवाई करते रहे तो कार्रवाई भी नहीं हो रही, और कुछ सालों से हम इंदारा में रह रहे। हमारे यहाँ पहले लाइट नहीं थी। हम पहले अधिकारियों को बहुत बार मतलब पहले से बोलते आए थे कि हमारे गांव में लाइट नहीं है, लाइट होना चाहिए, बच्चे पढ़ते उनको भी दिक्कत आती है। ये कर्मचारी तो कोई सुनते नहीं, इसलिए हमने विधायक के पास गए थे सब गांव वाले मिलके, तब जाके हमारे यहाँ लाइट हुई। मैं नर्मदा जीवनशाला खैरिया भादल में का शिक्षक हूँ और इसी जीवनशाला से पढ़ा हूँ मैं। और मैं पहले जीवनशाला में पढ़ा तब लाइट नहीं थी, अंधेरा था। हम लोग रात को लकड़ी जला के पढ़ाई करते थे। बहुत परेशानी से हमने यहाँ पढ़ाई करके बाहर निकले हैं। लाइट की व्यवस्था नहीं थी, इस साल से लाइट आई है तो हम सब बच्चे और सब हम पूरे गांव वाले पूरे खुश है। तो लाइट लाने में किस किस का सहयोग रहा? लाइट लाने में सभी का रहा है, हमारा मतलब हमारे गांव में जो वीडियो वॉलंटियर है उसका भी सहयोग रहा, हमारे गांव वाले भी हमको, हमारा जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने भी हमारी बात मानी और मतलब उसके वजह से भी सबका ये काम हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मेरा समुदाय तथा मेरे समुदाय के साथ साथ मैंने जिन जिन अधिकारियों से संपर्क किया है और जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया है, तो मैं चाहता हूँ कि वो उसी प्रकार से मेरी मदद करे तथा मेरे समुदाय की मदद करे, जिससे कि हम अपने समाज में बदलाव ला सके। मैं पवन सोलंकी, ग्राम भादल, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश से, इंडिया अनहट के लिए।